ऋतिक रोशन की काबिल रिलीज हो चुकी है और थिएटर से बाहर निकलती भीड़ भी ऋतिक रोशन की एक्टिंग स्किल को देखकर उनकी काबिलियत को जान चुकी है। तो चलिए ऑडियंस से ही पूछते हैं कि उन्हें ऋतिक रोशन कितने काबिल लगे और उन्हें फिल्म की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। फिल्म इज वेरी गुड, इट्स ब्रिलियंट। बाकी फिल्म के ट्रेलर से सबको पता है कि एक लव स्टोरी, एक रिवेंज ड्रामा है। अब रिवेंज में तब मजा आता है जब लव स्टोरी अच्छे से एस्टेब्लिश की हो, तो उसमें मजा आता है। मुझे बहुत बढ़िया लगे, 4। ऋतिक रोशन ने तो माइंड ब्लोइंग काम किया। मैं तो बोलती कि इस तरीके को फिल्म में क्यों नहीं करते, हर 3-3 साल में वो क्यों आते हैं, उन्हें हर एक साल में तो कम से कम एक फिल्म तो बनानी चाहिए। नाइस बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। मुझे दारो ऋतिक इज बैक। वेरी गुड, वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई है, लव स्टोरी गुड, बहुत बढ़िया थी और आई लाइक द स्टोरी। सर मैंने बहुत इंजॉय किया फिल्म को देख के, कि हालांकि क्राउड में ऑलमोस्ट फुल्ली थे सिनेमा हॉल में, लेकिन मुझे जो स्टोरी उसकी लगी फिल्म की और ऋतिक की एक्टिंग लगी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैंने देखी एवर सीन। और जो कास्ट किया उन्होंने वो मुझे बहुत सही लगा। रॉनित रॉय तो कमाल का एक्टर है ही, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग कमाल की बात है, एक एक डायलॉग जो लिखा उन्होंने वो बहुत सही लगा मुझे। सालों बाद इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखी मैंने एक एक्टर और उसके को-स्टार्स के बीच। ऋतिक रोशन ही प्रूव कि वो क्यों ऋतिक रोशन है, दो ब्लाइंड लोग कैसे प्यार करते हैं, उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, उनकी फीलिंग क्या होती है, और वो जिन्होंने जो पर्दे पे उन्होंने दिखाया है हर एक बंदा रिलेट किया जा रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा, एक अंकल हमारे पास में बैठे हुए थे, ही वॉज अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड और वो रो रहे थे और मेरे गूजबम्स खड़े हैं यार। वन ऑफ द बेस्ट मूवी टिल नाउ आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। काबिल।